हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ वो हर आदमी से जुड़ा हुआ है। भारत चाहे सोलर सिस्टम में नया प्लैनेट डिस्कवर कर ले या मुकेश अंबानी ट्विटर को खरीद ले, आम आदमी को इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है पेट्रोल और गैस के बढ़ते दाम। अब गैस के बढ़ते दामों का तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि पेट्रोल अब सस्ता होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, सरकार पेट्रोल पर कोई सब्सिडी देने का प्लान नहीं बना रही और न ही पेट्रोल पर लगने वाले टैक्सेस कम होने वाले हैं। तो फिर माजरा क्या है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें अब गिरने वाली हैं? असल में मार्केट में एक नए टाइप का पेट्रोल लॉन्च हुआ है। वैसे तो इस पेट्रोल के कई फायदे हैं, लेकिन हमारे आपके लिए जो सबसे मेन है वो ये है कि ये पेट्रोल आपकी यात्रा को पॉकेट फ्रेंडली बना देगा। कैसे? और वाकई ये पेट्रोल हमारी जेब का वजन हल्का करेगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, रिसेंटली बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने E20 पेट्रोल लॉन्च किया। E20 पेट्रोल आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा ये जानने से पहले समझ लीजिए कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। ये कोई नए टाइप का पेट्रोल नहीं, बल्कि E20 पेट्रोल वो पेट्रोल होता है जिसमें पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल को ब्लेंड यानी कि मिक्स किया गया हो। मतलब एक तो वो पेट्रोल होता है जिसमें 100% पेट्रोल ही होता है, लेकिन E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 800 ml पेट्रोल होगा और 200 ml एथेनॉल। मैंने मिक्स करना बोला है, तो ये मत समझ लेना कि नॉर्मली एथेनॉल और पेट्रोल को मिलाकर आप E20 पेट्रोल बना लेंगे, बल्कि ऐसा करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है। E20 पेट्रोल के बारे में जानने के बाद कई सवाल मन में आते हैं, जैसे कि अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो इससे फ्यूल की एफिशिएंसी तो कम नहीं होगी, ये हमारी पॉकेट के लिए फ्रेंडली कैसे होगा? और अगर इस पेट्रोल की कीमत इतनी कम है तो क्या मैं आज से ही अपनी गाड़ी में इस पेट्रोल को डलवा सकता हूँ? इन सभी सवालों के जवाब मैं एक एक करके आपको दूंगा। दोस्तों, इस पेट्रोल के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हम एक एक करके उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। जैसा कि हर जगह से सुनने में आ रहा है कि E20 पेट्रोल के आने के बाद से पेट्रोल की कीमतें काफी कम होंगी, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, हम जानते हैं कि पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल भारत में तो है नहीं, इसलिए हमें पेट्रोल बनाने के लिए क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और मेन रीजन भी यही है कि पेट्रोल के दाम हमारे देश में इतने ज्यादा हैं। आपको बता दूं कि भारत विश्व में 3रा सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर है। सेंटर की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने 2020-21 में 185 मिलियन टन पेट्रोल इम्पोर्ट किया था, जिसकी कॉस्ट लगभग $551 बिलियन थी। बट अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर देंगे तो जितना ज्यादा हम इथेनॉल मिक्स करेंगे उतना पेट्रोल का एक्सटेंट कम होगा और एज अ रिजल्ट पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। आपको बता दें कि सेंटर की उसी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरे देश में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए तो इससे हम हर साल करीब $4 बिलियन यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। और सोचिए, जब इम्पोर्ट पर खर्च होने वाला इतना अमाउंट बचेगा तो ये पेट्रोल आपकी जेब पर भी तो कम भारी पड़ेगा ना, एटलीस्ट लॉजिक तो यही कहता है। बट क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। इनफैक्ट 2014 से पहले ही 1.5% एथेनॉल मिक्स किया जाता था, जिससे अब हमने 10% तक अचीव कर लिया है। लेकिन इस बीच हमें पेट्रोल की कीमतों में तो कोई कमी देखने को नहीं मिली, उल्टा इजाफा ही हुआ है। और अब हम 10% एथेनॉल ब्लेंड से 20% एथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल को भी लॉन्च कर चुके हैं। तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में कितनी कमी आएगी ये तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कमी ही E20 का एकमात्र फायदा नहीं है, बल्कि E20 पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल की तुलना में ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि इससे हार्मफुल गैसेस का एमिशन कम होता है। और ऐसे टाइम में जब दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा एथेनॉल को शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। सबसे ज्यादा एथेनॉल शुगर केन जूस से बनता है, और जब इंडिया में शुगर केन की खेती बड़ी मात्रा में होती है तो इंडिया के लिए इस पर स्विच करना एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इससे इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी। हालांकि अभी तो 20% एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल भी सभी जगह उपलब्ध नहीं है, ये केवल देश के 84 पेट्रोल पंप्स में है, वो भी केवल 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उपलब्ध है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक E20 पेट्रोल पूरे भारत में उपलब्ध होगा। दोस्तों, इस समय भारत में 22 करोड़ 2 और 3 व्हीलर्स व्हीकल हैं, वहीं 4 व्हीलर्स की संख्या
3.6 करोड़ है, जो कि तेजी से बढ़ भी रही है। व्हीकल्स की ग्रोथ हर साल 8 से 10% बढ़ रही है। ऊपर से गैसोलीन का 2/3 अमाउंट तो टू व्हीलर्स व्हीकल ही उपयोग कर लेते हैं, इसलिए भारत में पेट्रोल की मांग को देखते हुए ये काफी जरूरी था कि भारत इसके लिए कोई बेहतर और सस्ता अल्टरनेटिव ढूंढ ले, और E20 ऐसा ही अल्टरनेटिव है। E20 पेट्रोल अच्छा भी है और सस्ता भी, साथ ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। तो क्या आप अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप में ले जाकर उसमें E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी गाड़ियों में E20 पेट्रोल नहीं डाला जा सकता। इसके लिए अलग टाइप के इंजन वाली गाड़ियों की जरूरत होगी जो E20 पेट्रोल को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ्लेक्स इंजन कहा जाता है। फिलहाल तो ऐसी गाड़ियां मार्केट में मौजूद नहीं है, जबकि ह्यूंडई क्रेटा, वेन्यू, अल्काज़ार SUVs के जो मॉडल 2023 से बने हैं वो E20 फ्यूल के लिए सुटेबल हैं। हालांकि टाटा और किया जैसी कंपनीज का भी कहना है कि वो जल्द ही ऐसी गाड़ियां लॉन्च करेंगे जो E20 फ्यूल पर चलती हों। लेकिन दोस्तों, इस सब के बाद भी एक सवाल ये रह जाता है कि क्या E20 फ्यूल और उससे चलने वाली गाड़ियां उतनी ही एफिशिएंट होंगी जितनी अभी वाली गाड़ियां होती हैं? क्योंकि अभी गाड़ियां पेट्रोल पर चल रही हैं, लेकिन फिर उसमें एथेनॉल मिक्स कर दिया जाएगा तो कहीं एथेनॉल की ज्यादा मात्रा पेट्रोल की एफिशिएंसी को कम ना कर दे। आफ्टर ऑल, सुनने से ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारा दूध वाला दूध में पानी मिला देता है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, E20 फ्यूल को पूरी टेस्टिंग के बाद लॉन्च किया गया है। टेस्टिंग के दौरान देखा गया है कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन प्योर पेट्रोल वाला है, फिर आपने उसे चेंज करके E10 करवाया है, तो टू व्हीलर्स के केस में 3 से 4% एफिशिएंसी कम होती है। वहीं फोर व्हीलर्स के केस में ये एफिशिएंसी 7 से 8% तक ड्रॉप हो सकती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन E10 वाला है और फिर आपने उसे कैलिब्रेट करवा के E20 फ्यूल वाला इंजन लगवा दिया है, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इंजन की एफिशिएंसी महज 1 से 2% का फर्क पड़ेगा, जो इतना मैटर नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ तक ऑब्जर्व किया गया है कि अगर मॉडिफिकेशन सही से किया जाए तो इतना इम्पैक्ट भी नहीं होगा, यानी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने से आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी और माइलेज पर कोई खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत एफिशिएंसी ड्रॉप है उतना एनवायरनमेंट के लिए हैंडल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर पॉसिबल है कि अगर ज्यादा टाइम तक एथेनॉल टैंक में रहा तो उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आई थिंक साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंजन में कोटिंग के लिए कोई ऐसा खास मटेरियल ढूंढा जा सकता है जिससे जल्दी कोरोजन ना हो। तो ये थी E20 पेट्रोल के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।